सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस प्रमेय। आप चाहे किसी भी कक्षा के अंदर अध्ययन कर रहे हो, पाइथागोरस प्रमेय को आपको समझना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कई टाइप के प्रश्न है वो सॉल्व किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की मैंने परिभाषा अच्छे ढंग से लिखी हुई है, आप चाहे तो इसको नोट करके याद कर सकते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय की जो परिभाषा है वो है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। अब मैं इसको समझाऊंगा अच्छे ढंग से कि ये प्रमेय है वो कहाँ लगती है और इसका उपयोग क्या है। देखिए हमारे पास में कई प्रकार के त्रिभुज है, भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर होते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर जो तीन प्रकार के होते हैं उसमें से एक होता है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण समकोण होता है उसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है कि पाइथागोरस प्रमेय कौन सी त्रिभुज पर लागू होती है, तो ये होती है समकोण त्रिभुज पे। अब इसका उपयोग क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है जो कि एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि एक कोण इसके अंदर क्या होगा, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। तो ये बेसिक बातें आपको पता होगा। और त्रिभुज के प्रकार के बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपको त्रिभुज के सभी प्रकारों के बारे में अध्ययन करना है तो उस वीडियो को देख के आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय का देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ तीन भुजा नजर आ रही है। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ इसका, सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो देखो ए से लगाकर बी तक, फिर बी से लगाकर सी तक और सी से लगाकर ए तक, यहाँ तीन भुजा आपको नजर आ रही है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, और कर्ण क्या है, कर्ण आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे समकोण है, बी पर समकोण बन रहा है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, तो 90 डिग्री की जो जस्ट सामने वाली भुजा होगी, यानी जस्ट बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए से लगाकर सी तक, इसको बोला जाता है कर्ण। यानी पाइथागोरस प्रमेय के अंदर आपको ध्यान रखना है तीनों भुजाओं के नाम होंगे। तो ये जो सबसे लंबी भुजा होती है यानी समकोण की सामने वाली भुजा, उसको बोला जाएगा कर्ण। फिर नीचे वाली जो भुजा है BC, इसको कहा जाएगा आधार। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ आधार। और जो खड़ी भुजा है A से लगाकर B तक, इसको बोला जाएगा लंब। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है, सबसे लंबी भुजा कर्ण, नीचे वाली भुजा आधार और खड़ी भुजा को बोला जाता है लंब। अब ये क्या कह रही है प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कर्ण का वर्ग यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये कर्ण, अब कर्ण का वर्ग यानी कर्ण के ऊपर घात लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर हो गया। ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजा कौन सी हो गई, एक लंब और एक आधार, तो अन्य दो भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो परिभाषा क्लियर हो गई, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको ये लंबी परिभाषा याद नहीं रहती है, तो यदि आपको पूछा जाए कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। ओके, अब इसका उपयोग है वो कहाँ होता है वो समझते हैं, ताकि आपको पाइथागोरस प्रमेय अच्छे ढंग से दिमाग में रह जाए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में एक भुजा ज्ञात करने के लिए, यानी तीन भुजा होती है उसमें से दो भुजा आपको दे रखी होगी एग्जाम में, जैसे मान लो प्रश्न आता है तो आपके पास में दो भुजा होगी, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इस समकोण त्रिभुज में मान लो कोई भी दो भुजा आपको दे रखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे
नाम दे देता हूं, जैसे ए बी और ये सी। इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये लंब है, इसको मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 इंच, 3 सेंटीमीटर, 3 फीट कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 3 ले लिया। उसके बाद में यहाँ बी और सी नीचे वाली भुजा को मैं मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। ओके, मान लो ए से लगाकर सी तक ये भुजा आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इस भुजा को आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। अब आपने अच्छे ढंग से समझ लिया कि नीचे वाली जो भुजा होती है उसको बोला जाता है आधार, खड़ी भुजा जो होती है उसको बोला जाता है लंब। तो आपको क्या निकालना है, ये समकोण की सामने वाली भुजा, ये कौन सी भुजा निकालनी है, आपको कर्ण निकालना है। राइट, तो आपने सूत्र अच्छे ढंग से याद कर लिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ मैं सूत्र का इस्तेमाल करके इस भुजा को ज्ञात करूंगा। देखिए, तो कर्ण है, इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, कर्ण स्क्वायर ऐसा का ऐसा, लंब है वो कितना है, यानी खड़ी भुजा यहाँ से तुलना कर सकते हैं। देखिए ये लंब है, यानी खड़ी भुजा आपने पास में दे रखी है कितनी, 3। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3 और उसके ऊपर घात आ जाएगी 2। ठीक, फिर प्लस आधार, आधार है वो कितना है, नीचे वाली भुजा हमें दे रखी है कितनी, 4। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 4। इसको सरल करेंगे, देखिए 3 का जो वर्ग है, 3 का वर्ग का मतलब हुआ 3 × 3, 3 × 3 कितना होते हैं, 9, 9 आ जाएगा। फिर प्लस 4 के ऊपर घात 2 है, यानी 4 × 4 कितने हो गए, 16। तो 9 और 16 मिलके कितने हो गए, 25। ठीक, अब देखिए कर्ण का ये वर्ग चल रहा है, यानी कर्ण का स्क्वायर आ रहा है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा का एज इट इज है उतार दिया नीचे। अब मुझे निकालना है यहाँ कर्ण, राइट, कर्ण स्क्वायर नहीं निकाल के हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो यहाँ से मुझे जो स्क्वायर है, ये जो घात 2 है वो हटाना होगा। तो हटाने के लिए देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 25 के ऊपर आ जाएगा आपके वर्गमूल का सिंबल। कैसे, देखिए यहाँ से मैं घात है वो हटा रहा हूँ, ये जो कर्ण के ऊपर घात 2 थी, जैसे ही हटेगा आगे वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा और 25 है वो आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी घात 2 हटती है तो आगे वाली संख्या के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है, ये वर्गमूल का सिंबल है, ये आपको अचरण से पता होगा। अब देखिए 25 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है, 5। ओके, तो कर्ण का जो मान है, यानी सबसे लंबी भुजा उस समकोण त्रिभुज की कितनी आ गई, 5। अब जो भी आपके मान दे रखे हैं, इंच में है तो इंच लिखना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है 5 के पीछे। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लिख के कि कौन सी भुजा हमारे 5 आइए। देखिए यहाँ ये जो भुजा है वो हमें मिल गई कर्ण कितनी, 5। यानी आपके एक समकोण त्रिभुज के अंदर तीसरी भुजा जो आपको ज्ञात नहीं थी वो आपको प्राप्त हो गई 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कर्ण भुजा आपको निकाल के बताई है, आप चाहे तो लंब निकाल सकते हैं, आप चाहे तो आधार भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको आधार और लंब निकाल के भी बता देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में आप तीनों में से कोई भी भुजा आपको पूछा जाए वो इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर से मैं कर्ण और आधार ले लेता हूँ, या मैं निकाल के आपको बताता हूँ लंब भुजा। ठीक है, तो देखिए कर्ण है वो मान लो वही मान है वो वही ले रहा हूँ मैं 3 4 5, जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो 5 सेंटीमीटर मान लो ये हमारे पास में क्या है, कर्ण। नीचे वाली भुजा को मान लेता हूँ ये 4 सेंटीमीटर है, तो हमें जो निकालना है ए से लगाकर बी तक ये है लंब, यानी लंब भुजा हमें निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय का ही इस्तेमाल होगा। तो आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का मान हमें दे रखा है तो वो लिखना पड़ेगा। देखिए कर्ण है वो कितना है, 5। समकोण की सामने वाली भुजा, समकोण यहाँ बन रहा है, इसकी जस्ट सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोला जाता है, ये कर्ण है। और नीचे वाली भुजा आधार आपको पता ही है, अभी मैंने क्लियर किया आपको। तो देखिए कर्ण का मान हमें दे रखा है कितना है, 5। तो मैं कर्ण के स्थान पर लिख लूंगा 5, तो 5 का स्क्वायर। फिर बराबर लंब आपके पास में नहीं है, यानी कि लंब आपको निकालना है, तो लंब को ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, और इसका वर्ग। ठीक है, आधार मेरे पास में है कितना है, आधार 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे हम 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो 5 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 5 × 5 कितने हुए, 25।
ये 25 आ गया। फिर बराबर जो भुजा नहीं है वो एजी टी लिख लेते हैं, लंब का स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 4 हो गया 16। ठीक, अब देखो हमें निकालना है लंब, तो यहाँ पे जो 16 प्लस में है इसको पक्षांतर करके हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 25 माइनस कर दूंगा 16, यानी राइट हैंड साइड में जो प्लस के 16 थे वो इधर आ गए, तो क्या हो गया माइनस। ये आपको अचरण से पता होगा कि कोई भी संख्या पक्षांतर होती है तो सिंबल है वो चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, तो 25 माइनस 16 हो गया, ये बराबर आ गया लंब स्क्वायर। ठीक, तो देखिए 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9 बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, अब हमने जिस प्रकार से कर्ण को निकाला था उसी प्रकार लंब को निकालेंगे। देखिए यहां से घात 2 है वो हटेगी, तो आगे वर्गमूल का सिंबल आ जाएगा, यानी 9 के ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा, बराबर आ जाएगा लंब। ठीक है, अब देखिए 9 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, 3, तो ये आ जाएगा 3। अब आपको यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, यानी वर्गमूल है वो किस ढंग से निकाला जाता है, तो इससे संबंधित वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वर्गमूल को निकालना अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, वर्गमूल निकालने की कई विधियां हैं जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वर्गमूल है वो कितना आ गया, 3, अर्थात हमारा जो लंब है वो निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस ढंग से आप भुजा निकाल सकते हैं लंब को। ठीक है, यहाँ से हम लिख लेते हैं, तो लंब जो है वो कितना आ गया हमारे, 3 सेंटीमीटर। ओके, देखिए वहां पर भी मैंने लंब और आधार को 3 और 4 लिया था, तो मेरे पास कर्ण कितना निकल के आया था, 5। यहाँ पर मैंने कर्ण और आधार को लेते हुए लंब को निकाल के आपको बता दिया। अब मैं निकाल के बताता हूँ आपको आधार, जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर चाहे कोई भी भुजा आपको पूछी जाए आप इजीली उसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लिया, यहाँ नाम दे देते ए बी और ये सी। ठीक है, यहाँ मैं लंब को ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, वही आधार हमारे पास में नहीं है, आधार यहाँ निकाल के हम समझेंगे, और कर्ण है वो वही 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर, आप बार बार लिखेंगे तो अच्छे ढंग से याद रह जाएगी और जीवन भर भूलेंगे नहीं, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे लंब है वो कितना दे रखा है, देखिए 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 3 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। आधार है वो हमें ज्ञात करना है, तो आधार को ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं, आधार और उसके ऊपर घात 2। कर्ण है वो मेरे पास में है कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखूंगा 5 और उसका वर्ग। ठीक है, यहाँ पर भी इसको सरल कर लेते हैं, देखिए 5 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, 25, फिर बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस आधार और स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 25 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी पक्षांतर करना पड़ेगा जिस प्रकार से हमने 16 को किया था। तो देखिए 9 को पक्षांतर किया था, हो गया माइनस का 9 बराबर आधार स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारा 25 में से 9 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, 25 में से 9 गए आ गया 16 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक, 16 देखिए हमारे बराबर आ गया आधार स्क्वायर। अब यहाँ से घात 2 हटेगी तो आ जाएगा वर्गमूल का चिन्ह वापस 16 के ऊपर, यहाँ आ जाएगा आधार, यानी घात 2 को मैंने हटा दिया, तो आधार बराबर आ गया रूट ऑफ 16। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 4, तो आ गया आधार है वो 4 सेंटीमीटर। तो इस ढंग से मैंने आपको तीनों भुजा निकाल के बता दिया, यानी सबसे पहले हमने कर्ण निकाला, फिर लंब और फिर आधार। तो आपने अच्छे ढंग से समझ लिया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि आपके पास में 2 भुजा है तो तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करना है और साथ ही इसको अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना है ताकि सबको पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी मिल सके। थैंक यू।